नमस्कार व्यूअर्स, काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, एक नहीं सैकड़ों लोगों के कमेंट्स आते हैं और प्रतिदिन हर वीडियो में एक दो कमेंट्स तो ऐसे आते ही हैं। क्या ठेकेदार कितना रुपया कमाते हैं? दोस्तों, सवाल ये आप नहीं पूछते, ठेकेदार को मिलने वाला हर आदमी पूछता है, चाहे वो ठेकेदार अदना सा हो चाहे वो ठेकेदार बड़ा हो। जो ही उसको देखते हैं सब पूछते हैं, कितना रुपया कमा लेते हो महीने के, साल के कितना रुपया कमा लेते हो। ससुराल जाता है तो ससुराल वाले पूछते हैं, क्यों कंवर साहब कितना रुपया कमा लेते हो। घर में पापा जी के पास बैठते हैं तो पापा जी भी पूछते हैं, कहिए बेटा कितना रुपया महीना कमा लेते हो। ये एक आदमी का सवाल नहीं है, घर में बीवी बच्चों के साथ भी बैठे होंगे तो वो भी आपको ये सवाल किए बिना नहीं रहते। क्यों नहीं कर रहते कि जब आदमी 24 घंटे सिर्फ कमाने ही कमाने की चिंता रखता है तो उसको इस तरह के सवालों का जवाब देना होता है। और जो आदमी निठल्ला रहता है उसको कोई नहीं पूछता। कभी पूछा है आपने किसी को, जो पीपल के पेड़ के नीचे ताश पत्ती खेलते रहते हैं 20-20 के झुंड में, क्या कभी आपने उनको पूछा है कितने रुपए महीने कमा लेते हो? इसलिए आपका पूछना वाजिब है, मगर मेरा जवाब देना भी जरूरी है, और जवाब भी उसी सब्जेक्ट पे देना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जिस सब्जेक्ट पर अपन चर्चा कर रहे हैं। ये इतने देर तो बात हो रही थी रूटीन की, अब बात आती है कि ठेकेदार कितना रुपया कमा लेते हैं। देखिए दोस्तों, ठेकेदारों की कमाई निश्चित नहीं है, ये कोई सैलरी नहीं है कि आपको हर महीने इतनी मिल ही जाएगी, ये आपके काम करने के तरीके के ऊपर डिपेंड करती है, काम करने पर डिपेंड करती है, आप कितना वर्क करते हैं और कितना वर्क किस रेट में आपका लिया हुआ है। होता क्या है कि टेंडर देते समय, जब भी आप टेंडर में रेट भरते हैं उस समय आपको ये तय करना होता है कि अपना इसमें प्रॉफिट कितना परसेंट सिक्योर किया है अपन ने। ध्यान दीजिए मेरे एक एक शब्द को, जब आप टेंडर भरते वक्त रेट निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, उस समय रेटों का एनालिसिस करते हैं, उस समय आपको ये तय करना होता है कि मैं इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन 15% सिक्योर करके चलता हूँ। सिक्योर से मेरा मतलब ये है कि आपने उस पर 3%, 2%, 5% ओवरहेड एक्सपेंसेस जोड़े होंगे। ओवरहेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? ऊपर के जो खर्चे, बहुत से ऐसे खर्चे होते हैं जिनको अपन इग्नोर कर देते हैं, उस समय कैलकुलेट ही नहीं करते हैं जब टेंडर की रेट देते हैं उस समय। बहुत से ऐसे खर्चे जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं, छोटे छोटे वो खर्चे, 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, और एक दिन में ठेकेदार को अपनी जेब में 50 बार हाथ देना पड़ता है। उस 50 बार हाथ देने में डालना नहीं पड़ता है, निकालना ही पड़ता है, और वो 50 बार जो पैसे निकालता है उनका कोई हिसाब किताब नहीं होता है, वो मिसलेनियस एक्सपेंसेस में आते हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस में आते हैं, और ऐसे खर्चे टोटल मिला के आपके 5% हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपका कमाया हुआ 5% तो उसी में चला जाता है। तो आपने कितना कमाया ये आपके वर्क में जो आपने रेट दी थी उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपने काम कितना जल्दी किया, मान लीजिए एक वर्क में 6 महीने का टाइम लगता है और आपने जल्दी से फटाफट उस काम को 4 महीने में कर दिया, तो अब ध्यान दीजिए, आप एक एक शब्द को ध्यान दीजिए, 4 महीने में करने का मतलब क्या हो गया? 2 महीने आपका टाइम सेविंग हो गया, और एक काम को आपने 6 महीने के काम को 4 महीने में कर दिया, तो इसका मतलब आप 3 साइटें साल में पूरी कर सकते हैं यदि आपके पास एक टीम है तो। और 3 साइटें पूरी करने का मतलब काम 6 महीने का था, इट मीन्स आप 2 ही साइटें कर सकते थे पूरी, और अब आपने 3 कर दिए तो अपना प्रॉफिट आपने 1.5 गुना कर लिया। मगर इसमें आपने रेटें सही दी हैं, तो जैसे कई बार मेरे पास कमेंट्स आते हैं, सर 50-50% बिलो रेटें जा रही हैं, हम क्या करें? अरे भाई, तो
कई लोग बाग फांसी खा के भी मरते हैं, आपको मरना जरूरी है क्या? क्या जरूरी है आपको रेट देना? आप वहां जाइए ना जहां रेटें सही चल रही हैं। और ऐसे स्टेट्स, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स, ऐसे डिपार्टमेंट्स बहुत हैं जहां रेटें प्रॉपर चल रही हैं। कुछ जगह कुछ ठेकेदार ऐसे होते हैं जो खुद तो मरते ही हैं, दूसरों को भी मारते हैं, ये आपने देखा होगा। और कईयों को एक बात और होती है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं एक कहानी सुना देता हूँ आपको। चलो सुना ही देता हूँ, आप जबान पे आ गई। एक आदमी को भगवान ने एक वरदान दिया कि जो तू मांगेगा मैं दूंगा। तो उसने कहा, भगवान ऐसा कर दीजिए मेरे एक मकान बना दीजिए। तो भगवान ने कहा, एक कंडीशन और है साथ में। बोले क्या? बोले जो मकान, जो चीज तू मांगेगा उससे डबल तेरे पड़ोसी की होगी। आदमी थोड़ा शातिर था, उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप एक मकान बना दीजिए। और जब उसका एक मकान बन गया, पूरा हो गया, तो पड़ोसी के दो बन गए। अब उसने सोचा कैसे न कैसे मुझे पड़ोसी को परेशान करना है। तो उसने कहा, हे भगवान ऐसा करो, आपकी बात तो सही है, मेरे एक मकान बन गए, पड़ोसी के दो बन गए, अब आप एक काम करो। बोले क्या? बोले मेरी एक आंख फोड़ दो। अरे बोले भाई, एक आंख फोड़ दूंगा तो पड़ोसी के दोनों फूट जाएंगी। बोले मुझे उससे मतलब नहीं है, आप मेरी जो वादा किया था वो पूरा करो। तो भगवान ने उसकी एक आंख फोड़ दी, तो पड़ोसी के दोनों फूटनी थी, स्वाभाविक थी। अब उसने कहा, एक ऐसे एक काम करो। बोले क्या? बोले मेरे गेट के मुख्य दरवाजा है, उसके आगे एक कुआं खोद दो, और रात रात में तैयार होना चाहिए। रात को 10 बजे उसका काम शुरू होना चाहिए, सुबह 4 बजे पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो उसको तो पता ही था कि अपना कुआं गेट के बीच में मुद्दे में खुदेगा, मगर अब कुआं तो कुआं होता है, उसकी चौड़ाई तो कुछ लेनी पड़ती है। गेट चाहे 10 फीट का हो, 12 फीट का हो, तो दो कुएं खुदेंगे, पड़ोसी के दो कुएं खुद गए, और वो भी गेट के अंदर। अब उसको तो पता था और पड़ोसी को पता नहीं था। सुबह जो ही पड़ोसी उठा कुएं के अंदर धम, तो बोले अब एक काम और करो। जब उसको धमाका सुन गया, बोले अब एक काम और करो, बोले मेरा कुआं बूर दो, यानी बंद कर दो, पाट दो। तो पड़ोसी का भी पाटना था। तो कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है, आप उन लोगों की सोच के हिसाब से काम मत कीजिए। मैं एक बार जब डी क्लास कॉन्ट्रेक्टर था, तो मेरे एक कंप्यूटर था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, नाम लूंगा तो वो आज इस दुनिया में नहीं है, नाम लेने का क्या मतलब है, मगर बात जबान पे आ गई तो बोलनी पड़ती है। तो उनका एक नियम था, वो जब भी हम लोग टेंडर देने के लिए जाते थे, तो 15-20 ठेकेदार तो हो ही जाते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में जब टेंडर देते हैं। तो ये मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, ये बात है 82 की, यानी 1988 की, सॉरी 82 की, 1982 की, जब मैं नया नया ठेकेदार बना था, पहली बार ठेकेदार बना था, दो चार काम लिए थे और अच्छा जुनून था, टीम थी मेरे पास, जल्दी काम निपटाता था, छोटे छोटे काम लेता था। तो वहां जो ही जाते थे, तो वो एक नाम जबान पे आ रहा है मगर मैं रोक रहा हूं, उनका काम एक ही था। वो बाहर से जो ठेकेदार आते थे, हम लोग आपस में खड़े हो जाते थे, चाय वाय पी लेते थे, चाय की बार थड़ी थी, तो लोकल ठेकेदार का दायित्व तो बनता है, तो मैं वहां लोकल था, वो भी लोकल थे, मगर वो लोगों से देख के जलते थे, मैं सबको चाय पिलाता था। तो जो जो जलते थे वो कहते थे कि अरे तू चाय तो पिला रहा है छोटे ठेकेदार, क्योंकि मैं सबसे छोटा था उस समय। तो वो कहते थे, छोटे ठेकेदार तू चाय तो पिलाता है, मगर मैंने ये जो रोहिणिया नीम है ना, यानी जिस डिपार्टमेंट में हम काम करते थे, उसके गेट के ऊपर एक नीम का पेड़ था बड़ा, तो उसको वो रोहिणिया नीम बोलता था, रोने वाला नीम, यानी इसके नीचे से निकलता है, वो रोता हुआ ही जाता है। तो उसने कहा कि ये रोमणिया नीम है ना, इसके नीचे मैंने कईयों को निकलते हुए रोते हुए निकलते देखा है, तेरे को भी निकलना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों ठेकेदार जी, क्या बात हुई? कि तू इस तरह चाय पिलाता है ना, इतने खर्चे करता है, काम तो तेरे को मिलेगा नहीं, काम तो मैं लूंगा। और वास्तव में काम उनके जाता था। कारण क्या था? वो ही रेट 50% बिलो वाली, टेंडर वो दे देते थे और उस काम को लटकाए रहते थे, फिर अफसरों के आगे हाथ जोड़ते रहते थे, साहब मुझे बचाइए कैसे। जैसे मैंने तो उस दिन वो शर्मा जी के कंपटीशन में आके दे दिया, उस दिन वो
उधर वाले ठेकेदार आ गए, उनको निकालने के चक्कर में दे दिया, मेरे जिले में दूसरा कोई काम कैसे कर सकता है। तो इस तरह कई तरह के ठेकेदार होते हैं। और फिर बाद में होता हुआ क्या, एक्चुअली मैं जिस कंपनी में काम करता था, सुपरवाइजर था, और जब मैं ठेकेदार बन गया तो मेरे बॉस और मैं एक ही जॉब कर रहे थे। वो ओवर हेड टैंक बना रहे थे, मैं GLR वगैरह जिनको बोलते हैं या छोटे टैंक जिनको बोलते हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट लेना शुरू कर दिया। तो एक बार कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट और छोटा कॉन्ट्रैक्ट दोनों साथ में निकल गए तो मेरे बॉस आ गए। मैं उनका अच्छा से सम्मान करता था और हमेशा से ही करता हूँ, आज भी करता हूँ। तो उनको मैंने मेरी परिस्थिति बताई कि सर व्यवस्था अच्छी है, काम भी ठीक है, काम निकलते भी हैं, मगर हमारे तो ये ठेकेदार जी हैं, ये पार नहीं पड़ने देते। बोले क्यों? मैंने कहा सर ऐसा है कि जब मुश्किल से तो कोई काम निकलते हैं, और काम निकलते हैं तब उस दिन ये रेट इतनी ख़राब दे देते हैं कि मूड ही ख़राब हो जाता है, काम करने में मन नहीं करता ठेकेदारी करने का। तो उसने कहा, उन्होंने कहा कि आपको यहीं काम करना ज़रूरी है क्या? किसने कह दिया कि आपको इसी डिस्ट्रिक्ट में काम करना है? आपका डी क्लास रजिस्ट्रेशन है? मैंने कहा हाँ। कितने दिन हो गए आपको काम करते हुए? मैंने कहा टाइम तो ठीक हो गया, तो क्यों नहीं सी में करवा लेते आप? और सी में जब रजिस्ट्रेशन आप करवा लेंगे तो पूरा रीजन मिल जाएगा आपको। रीजन का मतलब होता है 8-10 तहसीलों में काम कर सकते हैं आप, तो वहां काम ले लीजिए आप। इस रोमणीय नीम के नीचे खड़ा होना आपके जरूरी है क्या? मैंने कहा साहब फिर इस ऐसे डर डर के कहां से भागेंगे, वहीं कोई मिल जाएगा। बोले वहां नहीं मिलेगा, ऐसे आदमी बिरले होते हैं और कहीं कहीं मिलते हैं। मैंने कहा यार साहब ये कैसे हो सकता है? बोले आपने उल्लू देखा है? मैंने कहा हाँ। बोले उल्लू कहीं कहीं कोई बगीचे में होता है, और जिस बगीचे में उल्लू बैठ जाते हैं वहां क्या हाल होता है पता है? अच्छे पेड़ सारे सूख जाते हैं। फिर उन्होंने एक वो शेर या दोहा भी कहा था कि एक ही उल्लू काफी है अंजामे गुलिस्तां करने को, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, सॉरी एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, एक ही उल्लू काफी है, मैं कुछ भूल रहा हूं कहीं, एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। जिस डिपार्टमेंट में इस तरह के ठेकेदार बैठ जाते हैं, चौकड़ी चंडाल चौकड़ी, वो सब आपस में मिल जाते हैं और कुछ ऐसी सेटिंग कर लेते हैं जिनके कारण उनका काम चलने लग जाता है, और वो फिर बिलो से बिलो जाते रहते हैं, और ये दलदल इतना बैठ गंदा हो जाता है कि वहाँ कोई अफसर ढंका आ जाता है, वो उनको ऐसे भगा देता जैसे तिल चिट्टे घर से एक दिन में रिमूव हो जाते हैं ना, हिट मारते ही तिलचिटे भग जाते हैं ना, उसी तरह कोई ऐसा अफसर आ जाता है वो सबको रगड़ के छोड़ देता है। नमस्कार।